अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। ठीक है, आज थोड़ी सी मेरा वॉल्यूम लो होगा, जरा इस पे देखे ना, अगर आवाज आती है मेरा गला खराब हुआ तो मुझसे ज्यादा ऊंचा बोलना नहीं चाहेगा। अच्छा, आज टॉपिक क्या है हमारा? इमेज आर्टिफैक्ट्स का, जिस तरह हम लोगों ने कहा मैम, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मैम एक्चुअली ना मैंने मेरे ना दो दो दिनों से घर में लाइट नहीं आ रही थी, बिकॉज़ हमारे ना घर के पास एक हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस वजह से लाइट नहीं आ रही थी मैम। और तो मैंने जब असाइनमेंट, जब मेरे घर में लाइट आई और मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, तो 7 आवर्स लेट है वो। असाइनमेंट तो आपके मैम आप पास, उसे जी आपकी असाइनमेंट बाद में सबमिट हुई है? जी जी मैम 7 आवर्स लेट सबमिट हुई है, तो आप काइंडली उसे एक्सेप्ट कर लें। आप मुझे प्रूफ के साथ कोई ईमेल कर दो, अगर प्रूफ है आप तो ये वैलिड रीजन थे, जिनके जो प्रूफ हो उसके साथ जिनका है, उनके पोर्टल पे भी नहीं अपलोड हो सकी थी, और ईमेल जिन्होंने की है उनको मैंने कहा था प्रूफ के साथ मुझे इमेज स्पेशल स्क्रीनशॉट पे, पोर्टल नहीं खुल रहा वो मुझे वैसे सेंड कर दे। मैम फिर मैं इस चीज़ का कैसे प्रूफ दूँ कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? तो बेटा फिर अब पता थोड़ी चलेगा कि क्या चीज है, बाकी भी इसी तरह स्टूडेंट हो सकते हैं। आपको या तो पहले सबमिट करवा, उसी दिन जिस दिन सबमिट लास्ट डे था उसी दिन ही आपकी लाइट गई है, उससे पहले करवा नहीं मैम, 2 डेज से एक्चुअली पूरे मतलब वेंसडे को लाइट तो गई हुई थी, थर्सडे को भी लाइट गई हुई थी, तो इस तरह हुआ है। देखते हैं सबमिट हो गई है ना। जी जी मैम, मगर 7 आवर्स लेट है। चलो देख लेती हूँ, प्लीज काइंडली उसे एक्सेप्ट कर लें मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा इमेज आर्टिफैक्ट्स के ऊपर। व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स, हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी, हम रेडियोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज आर्टिफैक्ट, क्या समझ आती है कि आर्टिफैक्ट क्या है? एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। एबनॉर्मल तो हम लोगों को कोई एबनॉर्मेलिटी भी, कोई पैथोलॉजी भी हम कह सकते हैं एबनॉर्मेलिटी। मैम आर्टिफैक्ट की हमारे पास कोई, जो हमारे पास रियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है ना, उसके साथ इसकी कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं होती। इमेज मैम इमेज ब्लर होता है। नहीं, वो इमेज अगर हम लोग इमेज आर्टिफैक्ट को एज अ डिफाइन करेंगे, इसको इसकी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी वो तो लिखी हुई है अगली स्लाइड में, लेकिन आपको पता हो कि इमेज आर्टिफैक्ट्स वो चीज होती है जो अनवांटेड इमेज है। दैट मींस कि हम इसको कह सकते हैं कि या तो ये मैन मेड हो सकती है मशीन, जो कि पैथोलॉजी नहीं है, वो भी हम लोग कन्फर्म कह सकते हैं कि पैथोलॉजी होगी तो पैथोलॉजी जैसी लगेगी। ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, वो इमेज आर्टिफैक्ट्स इनको कहलाते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो इसकी ये है। ठीक है, एन आर्टिफैक्ट इज एन इररेगुलरिटी ऑन एन इमेज दैट इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रॉपर शैडोइंग ऑफ द टिश्यू बाय द प्राइमरी एक्सरे बीम। जो प्राइमरी एक्सरे बीम ने हमारे इमेज बनाना है डिफरेंट हमारे पास डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली, कि वो यहाँ तो हमारे पास एकोजेनिक कह रही हूँ अल्ट्रासाउंड का, या हमारे पास रेडियो पेक होगा, या हमारे पास रेडियो डेंस होगा, रेडियो ल्यूसेंट होगा, डिफरेंट हमारे पास इमेजेस हैं। ठीक है, वो एक्सरे की जो प्राइमरी बीम है उसने क्रिएट करना है इमेज। अगर वो इमेज हमारे पास वैसा शो नहीं हो रहा तो वो हमारे पास आर्टिफैक्ट कहलाता है। इट्स एन इररेगुलरिटी ऑफ एन इमेज दैट इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रॉपर शैडोइंग ऑफ द टिश्यू बाय द प्राइमरी एक्सरे। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन जो कि एक आर्टिफैक्ट की है, और ये रेडियोलॉजी आर्टिफैक्ट्स हैं सारे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के आर्टिफैक्ट्स और होंगे, एमआरआई के आर्टिफैक्ट्स और होंगे। ठीक है, डिफरेंट मोडालिटीज के डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। जिसमें मैंने बताया था कि कुछ हमारे मैन मेड होते हैं, कुछ हमारे मशीन की वजह से आते हैं, वो वाले सारे आर्टिफैक्ट जो रेडियोलॉजी में आ रहे हैं वो हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हमारे रेडियोलॉजी में किस किस तरह हो सकते हैं जो कि एक इररेगुलरिटी कॉज करेंगे। ठीक है, तो दीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री। जनरली रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट अकर इन थ्री एरियाज। नंबर वन इज द एक्सपोजर आर्टिफैक्ट। ये सारे रेडियोलॉजी के ही हैं,
बार बार याद रखना कि हर जो आर्टिफैक्ट है वो डिफरेंट होंगे, रेडियोलॉजी के कोई और होंगे, अल्ट्रासाउंड के आर्टिफैक्ट और होंगे, हर मोडेलिटी के आर्टिफैक्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है 3 में। नंबर 1 इज द एक्सपोजर, नंबर 2 इज द प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। अच्छा, पहले जिस तरह हमारे पास आजकल तो सारा कुछ डिजिटल है ना, डिजिटली वो जो है प्रोसेस होता है डिजिटली, इसीलिए हम लोगों ने आज इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। कुछ आर्टिफैक्ट्स डिजिटल आर्टिफैक्ट्स होंगे और कुछ जो हमारे पास जो पहले एक्सपोजर होता था और उसके बाद हमारे प्रोसेसिंग होती थी और सारा कुछ उससे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो पहले ये वाले पढ़ लो, ठीक है। दीज आर्टिफैक्ट्स आर नॉट डिजिटल, और इनको ये भी इसी तरह थीम में है, और डिजिटल जो है ना वो भी इसी तरह थीम में हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया हुआ। तो इनसे क्या समझ आती है, नेम से क्या समझ आती है, एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स किसके टाइप के हो सकते हैं? मैम ओवर एक्सपोजर हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हमें हो सकता है, या अंडर एक्सपोजर हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हमें आर्टिफैक्ट मिल सकता है, या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है प्रोसेसिंग में तो उसकी वजह से हो सकता है। हमारे पास स्टेबल है, ठीक है, इस स्टेबल को आपने याद करना है, ठीक। इसी तरह इसका डिजिटल का भी छोटा सा लेक्चर है, बस ये याद करना है लोगों ने कि इमेज आर्टिफैक्ट्स हैं तो वो कौन से डिजिटल कौन कौन से हैं और दूसरे हमारे पास कौन से हैं। ये जो हमारे पास स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी जो पहले यूज होती थी उसकी जो है ना एक्सपोजर सॉरी आर्टिफैक्ट्स है जिनको 3 में कैटेगराइज। नंबर 1 इज द एक्सपोजर आर्टिफैक्ट, प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। प्रोसेसिंग और हैंडलिंग तो नेम से बता रहे हैं कि जब हम लोगों की प्रोसेसिंग होती थी उस दौरान जब डेवलपिंग हुई और उसमें बहुत चांसेस होते थे आर्टिफैक्ट्स के। क्यों? आप क्योंकि खुद मैनुअली उसको डेवलप कर रहे हो उस इमेज को, उसको आप लोगों ने उसके अंदर डेवलपर में डाला, फिर ड्राई किया, उसके अंदर हाथों के निशान लग सकते हैं, डर्ट के निशान आ सकते हैं, कुछ भी ऐसे प्रोसेसिंग में तो बहुत आर्टिफैक्ट्स आते थे। उसके बाद आपके हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा ये भी मैनुअल के अंदर आते थे कि आपने कैसेट्स जो रखी हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर एक जगह पड़ी रही हैं उनपे जो है लाइंस आना स्टार्ट आ गई हैं, ठीक है। ये सारे जो थे वो हैंडलिंग थे, मतलब आपने प्रॉपर उनको ऐसी जगह पे नहीं रखा कि एक एक्सपोजर लाइट का होता रहा, उसको सन का एक्सपोजर मिल गया या कुछ ऐसा जिसकी वजह से फिल्म जो है वो खराब हो गई है, ठीक है। आपने प्रॉपर उनके स्टोरेज आर्टिफैक्ट उसको क्या कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक्सपोजर आर्टिफैक्ट? एक्सपोजर आर्टिफैक्ट वो आर्टिफैक्ट हैं जो कि हमारे मैन मेड आर्टिफैक्ट्स भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 आते हैं मोशन आर्टिफैक्ट जो कि इम्प्रॉपर पेशेंट पोजीशनिंग की वजह से होगा, रॉन्ग स्क्रीन फिल्म मैच, पुअर स्क्रीन कॉन्टैक्ट, डबल एक्सपोजर, वॉर्ब कैसेट या इम्प्रॉपर ग्रिड पोजीशन। अब इनको 1 by 1 जो है ना हम लोग अब पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपोजर आर्टिफैक्ट? डिफाइन करोगे तो एक्सपोजर आर्टिफैक्ट का यूजली इजी टू डिटेक्ट एंड करेक्ट बिकॉज दे आर मैन मेड, ठीक है, हमें पता है। तो इसके अंदर जो 1 by 1 हमने कॉज पढ़े थे और उसकी वजह से हम उसको रेडियोग्राफी के ऊपर वो नजर किस तरह के आते हैं। नंबर 1 इम्प्रॉपर पेशेंट पोजीशनिंग होगी तो कैसा पहले हम लोग उसको देखते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर या हमारी फिल्म के ऊपर नजर क्या आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड फॉरन ऑब्जेक्ट सच एज ज्वेलरी, हमने उसकी रिमूव नहीं करवाई है, ठीक है, और दैट इज कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन। फॉर एवरी एग्जामिनेशन हम लोग कहते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम पेशेंट हर एमआरआई के लिए आपको पता है मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कराना, इसीलिए इस तरह जो है जो हमारी रेडियोग्राफी है इसके लिए हम लोगों ने मेटालिक ऑब्जेक्ट को रिमूव करवाना है क्योंकि वो इमेज के ऊपर हमारे पास आर्टिफैक्ट, कौन सा आर्टिफैक्ट, एक्सपोजर आर्टिफैक्ट, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन इन्हीं में से आपको इन टेबल्स में से उठा के दिया करूँगी कि जो है कोई फॉरन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसका क्या कॉज हो सकता है, ठीक, वो किस तरह के इमेज वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डबल एक्सपोजर क्या है, रीयूज ऑफ द कैसेट ऑलरेडी एक्सपोज, जिस तरह मैंने बताया था ना क्या होता है कि वो जो कैसेट है जब तक आप उसके अंदर से इमेज नहीं निकाल लेते हैं वो प्रोसेसर में, डिजिटली तो होता है ना, तो वो कैसेट को सीआर में डालते हैं, प्रोसेस करता है और वो इमेज जो है हमारा मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाता है। अब जो कैसेट है वो रीयूज हो सकती है, उसमें से इमेज निकल गया है, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है कि इतने ज्यादा आपके पास वो पेशेंट आए हुए थे एक कैसेट के ऊपर एक्सपोजर, दूसरी कहा किसी ने जो रेडियोलॉजी वहाँ पे टेक्नोलॉजी था उसने कहा एक साथ ही मैं जो है ना सारी फिल्म जो है वो उसका प्रोसेस करवा लूंगा, उसने कह गया पता नहीं चला वो उसके अंदर अभी उसने इमेज नहीं उसी फिल्म के ऊपर दोबारा से ले लिया, तो उसको कहते हैं डबल एक्सपोजर के उसी फिल्म के ऊपर एक और एक्सपोजर आ गया, ठीक है।
फिर ब्लरिंग, ब्लरिंग आपको पता है कोई भी चीज जब मूव करती है ड्यूरिंग एक्सपोजर, हम उसको कहते हैं कि आपने स्टैटिक रहना है, उसमें मूवमेंट ना हो. जब मूवमेंट आई आपको ब्लरिंग इमेज आया है, ब्लरिंग इमेजिंग ड्यू टू द मूवमेंट, पेशेंट मूव कर गया है ब्रीदिंग की वजह से, लंबा लंबा उसको कहते हैं थोड़ी देर सांस रोक लो, अगर हम लंग्स का एक्सरे कर रहे हैं उसको कहते हैं सांस रोक लो, नहीं रोक पाया उसकी वजह से ब्लरिंग जो है वो डबल लाइन हमें फील हो सकती है, दिस इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर पेशेंट मूवमेंट. फिर हमारे पास ग्रिड कट ऑफ आर्टिकल, ये क्या है, इम्प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग, वो प्रेपरेशन ये पोजिशनिंग. आपको पता ना ग्रिड जो है वो नीचे लगी होती है, ठीक है, ग्रिड क्या होती है, वो जहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोजर देना ही, ऊपर ट्यूब से हमारा एक्सपोजर आया और फॉर एग्जाम्पल ग्रिड जो थी वो इस तरह से एक्सपोजर इधर आ गए, ठीक है, आपने पोजिशनिंग ही ग्रिड की नहीं किया तो क्या होगा, कट जाएगा इमेज, ठीक है, वहां पे इमेज जो है वहां से प्रॉपर पोजिशनिंग की वजह से कट जाएगा, क्योंकि ग्रिड जो है प्रॉपर जहाँ पे एक पॉइंट की बीम में आके ग्रिड तक लगना है वो वहां से कट हो गया, ठीक है. फिर हमारे पास क्या है, ऑब्स्क्योर डिटेल, पुअर स्क्रीन फिल्म कॉन्टेक्ट जो है वो भी इसी तरह जो स्क्रीन और फिल्म जो आप लगाते हैं उसका पुअर इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिटेल प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है. ये सारे कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं, दीज ऑल आर एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, ये एक्सपोजर आर्टिफैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं और वो क्या उनकी कॉज हो सकती है, ठीक है. इमेज को देख के तो आप एग्जैक्टली उसी वक्त बता सकते हो कि ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, नंबर वन क्या है, क्या नजर आ रहा है उस इमेज में आपको. मैम ज्वेलरी पहनी हुई है, उसने चेन पहनी हुई है, कानों में भी कुछ पहना है, इधर उसने अपनी पॉकेट में ग्लासेस रखी हुई थी, चेस्ट एक्सरे है, ये सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से इम्प्रॉपर पेशेंट प्रेपरेशन, ठीक है, आपकी प्रेपरेशन सही नहीं थी और आपने उसकी ज्वेलरी या कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जो है रिमूव नहीं करवाया, तो ये आपको आर्टिफैक्ट इस तरह से नजर आ रहे हैं. अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट, ये आपको पता है, नेम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेसिंग की वजह से जो है उसमें आर्टिफैक्ट आ सकते हैं. प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट आर इलिमिनेटेड बाय प्रॉपर प्रोसेस ऑफ क्यूआर प्रोग्राम. क्यूआर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, प्रोग्राम एंड फ्रीक्वेंट क्लीनिंग. अब क्वालिटी कंट्रोल हर हॉस्पिटल में इसको फॉलो किया जाता है, जिस तरह अलारा को फॉलो किया जाता है इसी तरह कुछ क्वालिटी कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स हैं उनको टेक्नोलॉजी फॉलो करता है, मशीन्स की क्लीनिंग के लिए लिहाज से कुछ जो है उसकी कुछ लाइफ होती है कि इस ट्यूब की इतनी लाइफ है, वो सारा क्वालिटी कंट्रोल एक फॉर्म होता है जबकि एनुअली या बाय एनुअली जो है वो उसको चेक किया जाता है. ये सारे आप लोगों के काम है, जब आप उस डिपार्टमेंट में हो, एमआरआई में हो, तो आपने क्वालिटी कंट्रोल चेक करनी है, ठीक है. अच्छा, ये तो प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स आते हैं और अगर आपने प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल नहीं रखा उसकी वजह से जो है ये प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है. तो वो कौन कौन से हैं, एक आ गया गार्चू मार्क, दूसरा पाइलाइंस आ गया, ये डिफरेंट हमारे पास डर्ट, ग्रे फॉग, ये डिफरेंट हमारे पास. कहने का मकसद ये है कि आपके जो प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई आर्टिफैक्ट या फोग है, ठीक है, आपने जो है ड्यूरिंग प्रोसेस, ये मैनुअल की बात कर रही हूँ, डिजिटल के लिए, पहले होता था ना आपका वो जो डार्क रूम था जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती थी उसको बड़ा, उसके अंदर आर्टिफैक्ट आने के बड़े चांसेस है, लाइट आ गई, ठीक है, उनको डार्क रूम इसीलिए रखा जाता था कि वहां पे एक्सपोजर ना हो सके किसी लाइट का, ठीक. फिर ये जो पाइलाइंस है, डर्ट और केमिकल स्टेन्स ऑन द रोलर, जो रोलर लगे होते हैं वहां पे, ठीक है, उसके ऊपर कोई लाइंस आ गई है, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल का ख्याल नहीं रखा गया, क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखा गया और उसने क्या किया, जब प्रोसेसिंग हुई है तो फिल्म के ऊपर लाइंस आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है. तो ये मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये देखो ये पाइलाइंस इस तरह कहते हैं, ठीक है, फिल्म के ऊपर आपको लाइंस आ रही, आप कहते देख के साथ कह सकते हो कि दीज आर आर्टिफैक्ट्स, नॉट नॉर्मल इमेज, नॉट पैथोलॉजी, ठीक है, ये कोई मशीन के अंदर कोई डर्ट आ गई है, डर्ट की वजह से उसके ऊपर स्टेन्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइंस इस तरह आ रही हैं, दिस इज ड्यू टू द रोलर जिसके अंदर इस तरह की लाइंस थी, पाई लाइंस इनको कहते हैं. नंबर लास्ट जो है हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट, ये भी नेम से आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर फैसिलिटी डिजाइन हैज टू डू, ये कैसे हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये इस तरफ ये बताया गया उसको क्वालिटी कंट्रोल से. इफ आई आस्क के प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ड्यू टू प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल, और इनको कैसे कर सकते हैं, डिजाइन किया जाता है टू रिड्यूस फैसिलिटी डिजाइन हैज रिड्यूस हैंडलिंग एंड स्टोरेज आर्टिफैक्ट. आप प्रॉपर उसकी हैंडलिंग करो, प्रॉपर उसको स्टोरेज करो, कितने टेम्परेचर पे हमने रखनी है. अब ये वैसे ही जो है वो सब कुछ खत्म हो गया, पहले बहुत केयर करनी पड़ती थी क्योंकि मैनुअल है, तो डार्क रूम्स का ख्याल रखना पड़ता था, केसेट्स जहाँ पे पड़ी होती थी उनका ख्याल रखना पड़ता था, तो ये जो लाइट और एक्सरे रेडिएशन हो, प्रेशर और किंक मार्क्स, ये एक के ऊपर एक आपने केसेट्स रखी है उसके ऊपर प्रेशर मार्क्स आ गए,
ठीक है, वो फिल्म के ऊपर जो आपने प्रॉपर उसकी हैंडलिंग नहीं की या स्टोरेज नहीं की जहाँ पे केसेस पड़ी है, वो ये आर्टिफैक्ट्स उस वक्त आते थे। तो क्वालिटी को हम बेहतर या कैसे कराते हैं, आप ये जब भी अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे बड़े हॉस्पिटल्स में क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का वर्ड बार बार सुनोगे। ठीक है, क्या क्वालिटी कंट्रोल क्या है और क्वालिटी अश्योरेंस क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस डील्स विद द पीपल एंड क्वालिटी कंट्रोल्स डील्स विद द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आपने इश्योर करना है कि जो क्वालिटी है वो बेहतर कैसे हम बनाए जा सकते हैं कि जो पीपल जो भी पेशेंट हैं या खुद हैं हम लोग उसके आपने प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन की है उसमें से और क्वालिटी को बेहतर बनाया। आपने इमेज बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोग जो अश्योरेंस है इश्योर करना है कि आपने जो है कैसे उसको और बेहतर इमेज को बनाना है, तो दैट डील्स विद द पीपल। आप अगर कोई कह रहा है कि आप आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कह रहा है कि आप अपनी क्वालिटी अश्योरेंस बेहतर करो, तो यू शुड नो व्हाट आर क्वालिटी अश्योरेंस क्या, उसके लिए प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करोगे तो आप इसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास जो फॉर्म आता है एनुअली और आपके डिपार्टमेंट से रिपोर्ट जाए और पूछा जाए कि आपका तो क्वालिटी कंट्रोल के इतने मतलब गलत वो आ रहे हैं मार्क्स आए हैं, आपने क्वालिटी कंट्रोल बेहतर नहीं किया, वो सारे जो आपके फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है, एनुअल होता है डिफरेंट, वो फॉर्म्स आपके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या आपने चेक करनी होती है हर चीज मशीन की भी। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल डील्स विद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट, आप जिस डिपार्टमेंट में जिस मोडेलिटी पे आप काम कर रहे हो, एमआरआई पे कर रहे हो, सिटी पे कर रहे हो, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल आपके जिम्मे। ठीक है, आपने उसको चेक करना है, वो फॉर्म होता है वो आपने फिल करना है, आपने चेक करना है उसकी ट्यूब चेक करनी है, उसकी कॉलीमीटर्स चेक करने हैं, ग्रिड्स चेक करनी है, वो विद टाइम, जरूरी नहीं है कि आपने जो है ना उसको खोल के खुद चेक करने लग जाओ। ठीक है, बट आपने मेंटेन रखना है, डैट मीन्स अगर आपको लग रहा है कि ये ट्यूब का कोई फेलियर हो गया या आप जिस तरह सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं कि ये इस चीज का कोई प्रॉब्लम है और इसको चेक करना है, कॉल द इंजीनियर्स। ठीक है, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के जो इंजीनियर्स आएंगे वो उसको चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के उनके पास चीजें होती हैं, वो इवन के कुछ वो उनके पास क्या उसको कहते हैं डमीज होती हैं और वो क्या उनके पास चीजें होती हैं, वो उसके थ्रू वो स्कैन भी करते हैं, उनको पता चलता है फिर कि ये प्रॉपर इमेज आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को इसी तरह चेक करेंगे, उनके पास जो है वो इमेज लेने के लिए कुछ पड़ी होती है, हेड के लिए अलग होगा, एब्डोमेन की चीजों के लिए वो अलग लेके आएंगे और उसका स्कैन करेंगे टू चेक द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दैट मशीन। डिफरेंस पता चल गया व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब आ जाओ डिजिटल रेडियोग्राफिक आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, डिजिटल भी हमारे पास जो है, अब हमारे सारा जो है आपको पता है कि हर जो मोडेलिटी है वो डिजिटली ट्रांसफर हो गई है, हर चीज डिजिटलाइज हमारे पास इमेज आ रहा है। ठीक है, वो पहले वाला प्रोसेसिंग खत्म हो गई है, तो डिजिटल के अंदर क्या आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं? नंबर वन इज द इमेज रिसेप्टर, जहाँ पे इमेज आ रहा है उसके रिसेप्टर जो हमारे पास कैसेट है। ठीक है, या तो वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होगी फ्लोरोस्कोपी के ऊपर, या फिर हमारे पास जो इमेज है उसका क्या कह सकते हैं स्टैटिक इमेज है उसके ऊपर जो कैसेट होती है, डैट इज द इमेज रिसेप्टर, उस कैसेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, दूसरी क्या है, डिजिटल है सारा सॉफ्टवेयर ने काम करना है ना, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, जिस तरह हमारे मोबाइल्स में कभी हैंग हो गया कभी कुछ हो गया, सॉफ्टवेयर की डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकती है उसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट आ सकता है, एंड ऑब्जेक्ट जो के जिसका हम लोग कर रहे हैं उसकी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से जो है हमारे पास डिजिटल आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। तो डिजिटली ज्यादातर मशीन के अंदर ही आते हैं और ये उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। ये वाला टेबल और पुराना वाला टेबल जो पिछला वाला टेबल था उसको याद कर लो तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट है, कौन सा हमारे पास एक्सपोजर आर्टिफैक्ट है, कौन सा, बस इनके नेम याद कर लो। इमेज रिसेप्टर आर्टिफैक्ट कौन कौन से हैं, जो हमारी कैसेट के अंदर आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, कैसेट जो है हमारी कौन कौन सी हो सकती है, उसमें क्या आ सकता है, डस्ट है, डर्ट है, स्क्रैचेस हैं डिफरेंट, तो वो हमारे पास इमेज के ऊपर हमें देखते साथ ही इमेज के ऊपर क्या सकते हैं। इमेज रिसेप्टर आर्टिफैक्ट दैट इज नॉट कॉज बाय द पेशेंट या कोई उसकी एक्सपोजर की वजह से मिलता है। पिक्सल मैलफंक्शन, आपने उसका पिक्सल प्रॉपर उस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया, स्मॉल पिक्सल यूज कर लिया, लार्ज पिक्सल, वो पिक्सल की वजह से जो है पिक्सल यहाँ तो फटे हुए आ सकते हैं, ज्यादा साइज का इमेज का ब्लर ब्लर सा आ रहा है, डेट को पिक्सल सेट नहीं कर पाता। ठीक है, और बूस्ट इमेजेस क्या होते हैं कि वो आपका कोई इमेज जो है वहां से कट गया है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो है उसको कहते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की वजह से जो हमारे इमेजिंग में आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं उनको कहते हैं हिस्टोग्राम, स्केलिंग इमेज रेंज या स्केलिंग या इमेज कंप्रेशन। एंड ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या पेशेंट है, तो ऑब्जेक्ट उसकी क्या आर्टिफैक्ट्स, वही जो है हमारे पास पेशेंट पोजीशनिंग या कॉलीमीटर या बैक स्कैटर्स जो है उसकी वजह से जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट आ सकते हैं।
पेशेंट पोजीशनिंग की वजह वही है कि आपने प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं की या पेशेंट हिल गया है, वो सारा उसकी वजह से आ गया। आपने कॉलीमेटर जो है प्रॉपर कॉलीमेशन को खोली नहीं है, ठीक है, कॉलीमेटर इतना इतना एरिया हम लोगों ने व्यू करना था और आपने कॉलीमेटर कॉलीमेशन इतनी खोली है, डैट मीन्स जो है वो इधर वाला एरिया सारा कट जाएगा और वो आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट आ सकता है। तो दिस इज कॉलीमेशन या पार्टीशन आर्टिफैक्ट, आपने आधा आ गया और आधा नहीं। डिजिटल रेडियोग्राफिक इमेज के सर्कल्स हैव यूनिक आर्टिफैक्ट एसोसिएटेड विद द पिक्सल फेलियर, ठीक है। ये ज्यादातर आपको पता है डिजिटल के अंदर पिक्चर है ना, डिजिटल पिक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम इन पिक्सल्स की आती है, तो फटाफट इमेज आएगा, ठीक है, ब्लर इमेज आएगा आपको उसके अंदर, जैसे जूम जैसे किया हो ना, बड़े बड़े से पिक्सल्स नजर आ रहे हैं। तो मेनली जो आपको इमेज, आपने इमेज को देखते हुए बताना है ना कि कौन सा आर्टिफैक्ट है। अगर मैं आपको कोई भी इमेज दिखा दूँ तो आप फौरन से बताओ कि ये वाला आर्टिफैक्ट है, ये वाला आर्टिफैक्ट है, इज इट क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट, ये ब्लरिंग आर्टिफैक्ट है ड्यू टू द मोशन, ठीक है। आप ब्लरिंग आर्टिफैक्ट को भी देख सकते हो, उसको थोड़ा सा मूव किया होगा, दो लाइंस नजर आ रही है उसके अंदर, ठीक है। एनवायरमेंटल रेडिएशन कैन कंट्रीब्यूट टू घोस्ट आर्टिफैक्ट्स, जो हमारे पास प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है और उस जगह पे फिल्म्स पड़ी रही हैं, कंप्रेशन आ गया उनके ऊपर, तो वो क्या होगा उसके अंदर कोई निशान, कोई स्टेन्स, कुछ इस तरह के इमेजेस आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। बस आज का छोटा सा टॉपिक था, मैंने ऐसे रखा। दूसरा एक टॉपिक था लेकिन आज मुझसे ज्यादा बोला गया ना, इसलिए मैंने सिर्फ आर्टिफैक्ट्स का टॉपिक रख लिया। आपको डिजिटल आर्टिफैक्ट्स के नेम और उनकी वो जो दो टेबल है मसल में याद करने वाली यही चीज़। अच्छा, ये सारे रेडियोलॉजी के रेडियोग्राफी के आर्टिफैक्ट्स हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ जो अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट्स हैं वो अल्ट्रासाउंड वाले में तो पढ़ने, बल्कि आपने जर्नल में पढ़े होंगे, पढ़े है ना, डिफरेंट टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स हैं उसके अंदर, तो वो वाले आर्टिफैक्ट्स हैं जो यूजफुल आर्टिफैक्ट्स उनको कहते हैं। अगर मैं वाइवा क्वेश्चन पूछूँ व्हाट आर यूजफुल आर्टिफैक्ट्स अल्ट्रासाउंड, तो यू शुड नो पोस्टीरियर शैडोइंग एंड पोस्टीरियर एनहांसमेंट आर यूजफुल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो आर्टिफैक्ट्स हैं बट दे आर यूजफुल, so we can differentiate between a cyst and a solid structure, ठीक है। ये हमारे पास useful artifacts है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर भी different reverberation artifact हो गया, वो आगे के fluid बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ उसकी वजह से आ गया, ठीक है। तो different आप लोगों ने जो पढ़े होंगे मुझे तब याद नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे artifacts, comet tail artifact आ गया, ठीक है। comet tail artifact तो last time हम लोगों ने पढ़ा था, किस तरह का होता है मैम? spike आपके व्हाइट कलर की नजर आ रही है, तो वो आपके पास कॉमन टेल आर्टिफैक्ट होती है, ठीक है। वो डिफरेंट और उसकी मैलिग्नेंसी के अंदर होते हैं या बिनाइन के अंदर, वो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़े थे कि अगर ये चीजें अगर नजर आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रीजन बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ठीक है। कुछ हमारे पास यूजफुल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो हम कंफर्म डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इफ आई आस्क ये वाला जो है आर्टिफैक्ट किसके लिए, फॉर एग्जांपल कॉमन टेल आर्टिफैक्ट है, ठीक है, वो बिनाइन में होते हैं या मैलिग्नेंट में होते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर इन्होंने पढ़ा गया बिनाइन में, हमारे पास कुछ ऐसे वो कहते हैं एज शेडो आर्टिफैक्ट, एज शेडो आर्टिफैक्ट पढ़ा, एजिस पे जो है वो पहले तो पूरा शेडो नजर आता है ना किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के पीछे पूरी जगह आता है। कुछ होते हैं लीजन हमें गोल राउंड नजर आ रहे हैं लेकिन उनके सिर्फ एजिस से शेडो नीचे जा रहा होता है, दोनों साइडों पे एजिस से नीचे लाइंस जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एज शेडो आर्टिफैक्ट, ठीक है। वो किन लीजन के अंदर जो है एज शेडो आर्टिफैक्ट आता है, रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट किन में आता है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स तो बेसिकली आपने पढ़े ही हुए हैं जर्नल आपने कल मुझे आते साथ ही पता चल गया कि जनाब रेशियड आ गई है, उसकी वजह से धड़ाधड़ ईमेल्स और कुछ से एक दो ईमेल्स पढ़ी है, उससे पता चला कुछ क्लैशेस आए हैं, तो क्लासेस तो आपके अपना आंसर रिजॉल्व करेंगे क्योंकि उन्होंने टाइमिंग देख, मैंने तो देखी भी नहीं है कि इस दिन पेपर है हमारा 7 को, 6 को मेरा ख्याल मस्कोस टाइटल वालों का या रीजनल वालों का, रीजनल का जाता है, अच्छा विदाउट गैप्स आ रहे हैं 6 7 9।
एक दिन का गैप है, आप लोगों को गैप आ गया, मेरे ख्याल मस्त उसका एडिटर वालों से मैंने ईमेल पढ़ी, फिर उन्होंने कहा हमारे विदाउट गैप पेपर आए 6-7 है। इसीलिए क्या ऐसी तैयारी पूरी रखो, कोई पता नहीं एक दिन में दो पेपर, शुक्र करो दो नहीं आए एक दिन में, क्योंकि ये लोग ये भी कर रहे थे। वो तो चलो रिजॉल्व हो जाएगा, एक टाइम पे तो दो नहीं दे सकते हो, लेकिन ये कि ये लोग यही प्लान कर रहे थे कि क्योंकि क्लासेस काफी ज्यादा थे, हमें रूम्स भी नहीं मिल रहे थे, फाइनल भी कुछ चलना है पेपर और वो भी सारा चल रहा था, इस वजह से वो लोग प्लान यही, मैंने सुना था जब मीटिंग हो रही थी उस वक्त कि एक दिन में दो दो पेपर भी रखने का कह रहे थे, तो इसलिए मैं बार बार गई थी अपनी तैयारी करने। मैं आज जो सिलेबस है उसमें डाल दूंगी आप अनाउंसमेंट में, ठीक है, उसको स्टेटस का भी बाकी सबका भी कन्फर्म सिलेबस अनाउंसमेंट में लिख दूंगी, ठीक है। आज अभी जाकर मैं स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों के इसको सिलेबस उसमें डाल दूंगी, पैटर्न डाल दूंगी कि कितने परसेंट का होगा, कितना 20% टोटल आपकी वेटेज है, उसमें कितने परसेंट आपके एमसीक्यूज होंगे, एसीक्यूज होंगे और इमेजेस होंगे। और वो इमेजेस मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो इमेजेस एमसीक्यूज में भी हो सकते हैं कि मैं सिर्फ नीचे ऑप्शंस दे दूँ इमेज को आप लोगों ने, और एसीक्यूज शायद लेबलिंग के लिए दे दूँ, ठीक है। तो वो इमेजेस जो है वो आपके लेक्चर्स वाले ही होंगे, उनको बस आप देख लेना अच्छे से, इधर उधर के नहीं होंगे, आपके असाइनमेंट्स जो मैंने बनाने को दी थी वो उनमें भी इमेजेस थे ना सारे। चलो कोई नहीं, क्या नाम है मैम? असाइनमेंट में जैसे मतलब बिलरी भी था, यूनिटी भी था और जीआईटी तीनों थे, और जैसे हमारे पास सिलेबस में तो सिर्फ जीआईटी बनेगा तो हम उसके इमेजेस ही करें ना, या असाइनमेंट में सारे इमेजेस करने हैं? असाइनमेंट में मुझे समझ नहीं आई, इमेजेस जो मैंने आपको बोला था जिनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी थी हमने उनको डिफाइन करना था, ठीक है, उनकी नेम्स लिख रहे थे सिर्फ, और आपने डिफाइन करना था कि इमेज किस चीज का है और इसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको बस आपने डिफाइन करना था, साथ इमेज लगा देना। सिर्फ जीआईटी वाले ही होंगे ना, क्योंकि 1-10 है? नहीं, मैंने आपको सारे बोले थे, जीआई हो गया, जितने भी फ्लोरों के प्रोसीजर्स थे सबके। मैम मैं मिड की बात कर रही हूँ कि मिड में जैसे 1-10 लेक्चर्स है ना, तो उसमें सिर्फ जीआईटी बनता है, तो फिर हम जीआईटी की करें? हाँ, जितना आपको सिलेबस है उतना ही आएगा, जीआई ट्रैक करते हैं तो फ्लोरों के प्रोसीजर्स जो है वो नहीं इंक्लूड होंगे, मैं फाइनल के लिए बता रही हूँ कि इस तरह के इमेजेस आ सकते हैं, जितना सिलेबस अगर है तो वो उसके अंदर इमेजेस इंक्लूड है, या फ्लोरोस्कोपी तक आपका शायद है सिलेबस ना, तो फ्लोरोस्कोपी के प्रोसीजर्स इंक्लूड नहीं, बट फ्लोरोस्कोपी मशीन और वो सारी वो चीजें नहीं इंक्लूड है, इसके प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है। जब मैं जमा करवाने लगा हूँ तो मैंने
मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, और जब मैंने दोबारा उसको कंप्रेस करके दोबारा मैंने जो अपलोड किया, जो 3 मिनट लेट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग असेसमेंट भी इसी तरह की रखेंगे कि आपको बेसिक नेमोलॉजीज को यूज करना आना चाहिए, गेन कैसे कर रहे हैं, टीजीसीज क्या चीज है, नेमोलॉजीज को अच्छे से देखा करो, मशीन भी जो मैं पूछूंगी के बारे में ज्यादा पूछना है। क्लियर नहीं है आपको, जिसको आप कह नहीं सकते कि प्रॉपर ये, जिसको देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, और जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया मैम लीव कर दे। डिस्कस कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के बारे में, आप लोगों को लीव करना है तो लीव कर दो, लेक्चर तो खत्म हो गया। ओके मैम। ठीक